स्वीडन में पवित्र कुरान शरीफ जलाने की घटना से मुस्लिम समाज में रोष है। उन्होंने इस घटना को निंदनीय बताते हुए कहा कि इस घटना ने न केवल मुसलमानों का बल्कि विश्व में सभी शांति प्रिय लोगों को गहरा आघात पहुंचाया है। भोपाल में भी सूडान की घटना को लेकर मुस्लिम समुदाय में रोष है। मुस्लिम समाज पदाधिकारियों ने राजधानी के कमला नगर थाने पहुंचकर डिप्टी कमिश्नर के नाम घटना को लेकर ज्ञापन सौंपा। मुस्लिम पदाधिकारियों का कहना था कि विश्व के सभी शांति प्रिय लोग गहरे सदमे और गुस्से में हैं। कुरान शरीफ अंतर्राष्ट्रीय शांति, सद्भावना, एकता, भाईचारा तथा बिना भेदभाव सभी के लिए न्याय का प्रतीक है। इस प्रकार की घटना से आतंकवाद तथा उग्रवाद को बढ़ावा मिलने की संभावना है। हालांकि कुरान पर हर प्रकार के आतंकवाद तथा उग्रवाद की सख्ती से निंदा करता है और शांति व सौहार्द का पैगाम है। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। सेरा नूरानी मस्जिद का इमाम मोहम्मद नफीस। हम इसलिए यहाँ पर आए हैं कि जो जिस मुल्क के अंदर भी ये कुरान को नजर आतिश किया गया है, इससे हम सारे मुस्लिम समुदाय को ठेस पहुँची है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और हम सारे आपसे अपील करते हैं, आपके ज़रिए से और हमारी गवर्नमेंट के ज़रिए से और सबके ज़रिए से हम अपील करते हैं कि आइंदा के लिए इस तरह की घटना के लिए रोक लगाई जाए, ताकि हम सब समुदाय, मुस्लिम समुदाय का इससे तकलीफ़ और ठेस ना पहुंचे। यही हमारी आपसे आग्रह है। तो आपसे उनकी मुलाकात हुई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।